हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के ग्रुप डी 2022 में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों ये प्रैक्टिस नंबर पार्ट टू है। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों इन सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिया है कि आरआरबी ग्रुप डी यानी 2022 में यानी 17/8/2022 में सेकंड शिफ्ट में पूछे गए आपको ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं। ये पहला प्रश्न में आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर पहला प्रश्न, ठीक देखिए यहाँ पर दिया है कि गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जिन्हें निम्न समीकरण में चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर समीकरण संतुलित हो जाए। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर एक नीचे एक क्या दिया, समीकरण दिए। इस समीकरण में बोल रहा है कि जो स्टार का चिन्ह है ना, स्टार के चिन्ह पर ये चार ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन रखेंगे कि जो कि ये समीकरण संतुलित यानी सही बन जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबको क्या करेंगे, ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए से देखेंगे समीकरण किस तरह से बन रहा है। अगर यहाँ पर हम भागा रखेंगे, क्या रखेंगे, भागा रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, गुना रखेंगे, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर बराबर हो गया, फिर यहाँ पर प्लस हो गया, फिर यहाँ पर प्लस हो गया। देखिए यहाँ पर किसी तरह से दिख रहा है, ये आपको इस तरह से नहीं बन रहा है, क्योंकि देखिए 4/5 हो गया, लेकिन यहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ पर गुना दिया है, अगर गुना करेंगे तो 4/5 हो गया, यहाँ पर तो 20 हो गया, यहाँ पर 20 हो गया, तो 20 के बाद में फिर क्या बन रहा है, तो 20 के बाद में आपको यहाँ पर 4/5 हो गया ना, तब 5 हो गया, ठीक। 5 के बाद में फिर क्या दिया है, यहाँ पर गुना दिया है, गुना के बाद में फिर क्या दिया है, यहाँ पर बराबर दे दिया है, तो 6/5 कितना कर देंगे, अगर 6 से गुना कर लेंगे तो 6/5 कितना हो गया, यहाँ पर 30 हो जाएगा, 6/5 कितना हो गया, 30 हो गया, लेकिन यहाँ पर हम 30 रख लेंगे, ठीक। देखिए 30 हो गया, अब फिर इसमें क्या दिया है, यहाँ पर आपको बराबर दे दिया है, क्या दिया है, बराबर यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर बराबर देने के बाद में फिर यहाँ पर बराबर हम देंगे तो कितना हो जाएगा, 14, यहाँ पर जोड़ लेंगे, 14 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 और 18 को जोड़ लेंगे तो हम आपको 32 हो गया, कितना हो गया, 32 हो गया, लेकिन आपकी अब अभी 2 बचा हुआ है, कितना 2 बचा हुआ है, इसको घटाएंगे तो कितना होगा, यानी इसका मतलब इससे ऑप्शन से नहीं बन रहा है, यानी ऑप्शन ए से नहीं बनेगा। देखिए कौन से ऑप्शन से बन रहा है हम आपको देखिए बताते हैं अच्छे तरीके से, ठीक। देखिए इसको ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन सी देखेंगे, क्या देखेंगे, ऑप्शन सी देखेंगे। ऑप्शन सी में क्या दिया, देखिए यहाँ पर भागा दिया है तो भागा रख लेंगे, फिर यहाँ पर गुना दिया है तो गुना रख लेंगे, फिर यहाँ पर प्लस दिया है तो प्लस रख लेंगे, फिर उसके बाद में क्या दिया है, यहाँ पर प्लस के बाद में यहाँ पर बराबर दिया, ठीक। देखिए बराबर यहाँ पर दिया, ठीक, और इसके बाद में यहाँ पर प्लस दे दिया है। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 20 हो गया, 20 भागा हो गया, फिर आपको 4 हो गया, फिर गुने 6 हो गया, फिर प्लस 2 हो गया, फिर बराबर 14 हो गया, यानी फिर प्लस कितना हो गया, 18 हो गया। अब इसको क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखिए 4/5 तो 20 ही कट गया, ठीक, यहाँ पर 5 बचा, फिर गुने कितना बचा, 6 बचा, फिर प्लस 2 बराबर यानी 14+18 हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं, 6/5 30 हो गया, कितना हो गया, 6/5 30 हो गया, यहाँ पर 30 हो गया, और इसको जोड़ लेते हैं बराबर किधर से, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 2 हो गया, और यहाँ पर देखिए 14 यानी 14 और 18 को जोड़ लेंगे, तो जब 14 18 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 32 आ जाएगा, कितना गया, 32। देखिए इधर भी जोड़ेंगे तो आपको 32 हो गया, और बराबर के इधर भी जोड़ेंगे तो आपको 32 आ गया, यानी दोनों तरफ क्या आ गया, 32 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है ना आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न दिया है, इसमें देखिए एक निश्चित कुटभाषा में यानी फ्यूल को 50 और जीर को 44 लिखा जाता है, उसी कुटभाषा में यानी फेयर को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि जो फ्यूल है ना उसको 50 लिखा जाता है और जीर को 44 लिखा जाता है, ठीक उसी कुटभाषा में अगर फेयर को क्या लिखेगा, ठीक फेयर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे कि आपको फ्यूल को किस प्रकार लिखा है। देखिए एफ लिखा है, एफ के बाद में फिर क्या लिखा है, यहाँ पर यू लिखा है, फिर ई लिखा है और एल लिखा है, ठीक इसको क्या लिख रहा है, 50 लिख रहा है, इसको क्या लिख रहा है, 50 लिख रहा है। तो 50 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए एफ किस पर आता है, यानी एफ का मान कितना होता है, 6 होता है, 6 पर एफ कितने पर आता है, 6 पर, यू कितने पर आता है, 21 पर आता है, और ई कितने पर आता है, 5 पर आता है, एल कितने पर आता है, 12 पर आता है। क्या करेंगे, इस सबको हम जोड़ लेते हैं। देखिए अगर हम सबको जोड़ लेंगे, 21 को, 6 को, 5 को, 12 को, अगर सबको हम जोड़ लेते हैं,
सबको जोड़ने के बाद में कितना आएगा यहाँ पर 44 आ जाएगा, और प्लस में क्या करेंगे 6 जोड़ देते हैं तभी ना 50 आएगा। देखिए यहाँ पर 44 आ गया, 44 और प्लस 6 जोड़ देते हैं कितना आ गया 50 आ गया। ठीक उसी बात से हम देखिए उसी तरीके से यहाँ पर जीरो को लिखा है, जीरो को क्या लिखे देखिए यहाँ पर जे लिखा है, जे के बाद में डबल ई दिया है, ठीक उसके बाद में फिर यहाँ पर आर दिया है, अब इसको क्या लिख रहा है 44 लिख रहा है। तो 44 किस प्रकार लिखा है देखिए जे जे कितने पता है, तो जे आपको 10 पता है, कितने पता है 10 पता है, और ई कितने पता है 5 पर, ई कितने पता है 5 पर, आर कितने पता है 18 पर, ये सबको क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। देखिए जब सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर उसी प्रकार से क्या होगा अच्छा कि 6 जोड़ेंगे, क्या करेंगे 6 भी जोड़ेंगे। देखिए इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 38 आ गया, और 38 प्लस 6 जोड़ देंगे तो कितना आ गया 44 हो गया, कितना गया 44 आ गया, यहाँ पर 44 दिया है। ठीक उसी भाषा में क्या करेंगे फेर को लिखेंगे, यहाँ पर क्या दिया एफ दिया है, एफ दिया है, ए दिया है, आर दिया है, ई दिया है, फेयर फेयर बराबर क्या लिखेगा आपको यही बताना है। ठीक देखिए एफ एफ कितने पाता है, एफ आपको 6 पाता है, कितने पाता है 6 प, ए कितने पाता है 1 प, आर कितने पाता है 18 प, ई कितने पाता है 5 प, इसको हम जोड़ लेंगे, क्या करेंगे इसको भी जोड़ेंगे, इसको जोड़ने के बाद में क्या करेंगे 6 प्लस भी जोड़ेंगे, ठीक 6 जोड़ देंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे इसको जोड़ लेते हैं, जब 6 1 18 5 को जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, और 30 प्लस 6 जोड़ देंगे तो कितना गया 36 आ गया, कितना गया 36 आ गया। तो आपको बोला कि फेर को क्या लिखेगा, तो फेर को आपको 36 लिखेगा, तो 36 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए यहाँ पर नीचे एक श्रेणी दी है, ठीक इस श्रेणी पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर ये चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे कि श्रृंखला किस तरह से चल रहा है, ठीक देखिए यहाँ पर क्या दिया है 11 दिया है, 11 के बाद में क्या हो रहा है 21 हो रहा है, 21 के बाद में क्या हो रहा है 47 हो रहा है, 47 के बाद में क्या हो रहा है 97 हो रहा है, 97 के बाद में कितना दिया 179 दिया है, ठीक और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर बोला है कौन सी संख्या भरा जाएगा। तो देखिए 11 यानी 11 से क्या हो रहा है 21 हो रहा है, 11 से 21 किस प्रकार हो रहा है, यहाँ पर किस प्रकार से हो रहा है देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है, तो अगर हम 10 जोड़ देंगे ना 11 में तो 21 हो जाएगा, और 21 लिए क्या हो रहा है 47 हो रहा है, इसमें क्या करेंगे 26 हम जोड़ देंगे तो आपको कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा, और 47 में देखिए 47 में हम कितना जोड़ेंगे कि आपको 97 आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस क्या करेंगे 5 यानी प्लस 50 जोड़ेंगे। अब यहाँ पर फिर क्या दिया है यहाँ पर 179 लिखा है, क्या लिखा है 179 यानी 97 में हम कितना जोड़ेंगे कि 179 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस 82 हो जाएगा, कितना हो गया प्लस 82 हो जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ का बोला है कि इसमें अब 179 में कितना जोड़ेंगे। ठीक उसे पहले एक बार नीचे और देखिए नीचे क्या किया है कि 10 लेके आ रहे 26 हो रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है इसमें आपको प्लस 6 किया है, और यहाँ पर देखिए 26 लेके आ रहे 50 हो रहा है, इसमें आपको प्लस 24 किया है, और इसमें देखिए 50 ले 82 हो रहा है, तो इसमें क्या किया है इसमें आपको 32 जोड़ा है, कितना जोड़ा है 32। देखिए अब इसका बीच का दूरी देखिए कितना हो गया 8 हो गया, यानी 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, और 24 में क्या करेंगे यहाँ पर 8 जोड़ लेंगे, 24 में भी आपको 8 जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर इसका मतलब कि इसमें भी हम आपको 8 जोड़ेंगे, अगर 32 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ गया, कितना गया 40 आ गया, और 40 आ गया। ठीक देखिए 40 आ गया, अब इसमें क्या करेंगे इसमें प्लस जोड़ेंगे, अब 40 में हो गया ना, अब 40 में क्या करेंगे 82 में से हम 40 जोड़ेंगे, क्या करेंगे 82 में 40 जोड़ेंगे, जब 82 में आप 40 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर क्या किया है, अब देखिए ये 82 हो गया, 82 में 40 जोड़ेंगे तब 40 जोड़ लेंगे तो 122 आ जाएगा, कितना गया 122, यानी इसका मतलब है कि आपको 179 में 122 जोड़ देंगे ना, 179 में 122 जोड़ेंगे आपको कितना आ जाएगा 301 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 301 आ जाएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा 301 हो जाएगा, तो 301 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों चार नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सुनील उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, किधर चलता है उत्तर की तरफ, तो क्या करेंगे यहाँ पर एक डायग्राम बना लेंगे, ये आपका पूर्व होता है, ये आपको पश्चिम होता है, और ऊपर में आपको उत्तर होता है, और नीचे में आपको दक्षिण होता है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोला है ना कि जो सुनील है ना सुनीत है उत्तर की तरफ 10 मीटर चलता है, तो मान लीजिए यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ठीक यहाँ से चलना है ऊपर की तरफ, उत्तर उत्तर ना है,
देखिए उत्तर जो आपका ऊपर की तरफ है, यहाँ कितना चला है 10 मीटर चला है। फिर उसके बाद में फिर वह बाएं, देखिए बाएं मुड़ता है और 11 मीटर चलता है। किधर मुड़ता है? बाएं, तो बाएं आपको इधर हो गया, कितना चलता है 11 मीटर चलता है। फिर उसके बाद में फिर वहां से वह दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है। दाहिने मुड़ता है, देखिए यहाँ से दाहिने मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है। फिर उसके बाद में आगे दिया है और फिर पुनः वह दाएं मुड़ता है और 25 किलोमीटर चलता है। फिर दाहिने मुड़ता है, तो दाहिने आपको इधर होता है, ये कितना चलता है 25 किलोमीटर चलता है, 25 किलोमीटर चलता है, चलता है। अब सुनीत का मुख किस दिशा में है? अब बोल रहा है कि सुनीत का जो मुख है ना वो किस दिशा में है। देखिए ये मुख किस दिशा में दिख रहा है, ये किस दिशा में, ये आपको पूर्व की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? देखिए ये आपको पूर्व की तरफ जा रहा है, किधर? पूर्व की तरफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको पूर्व की तरफ हो जाएगा, ठीक, पूर्व दिशा में, यानी पूर्व दिशा में लिख देते हैं, ठीक, पूर्व दिशा में। यानी आपसे बोला है कि अब सुनीत का मुख किस दिशा में, तो पूर्व दिशा में, तो पूर्व देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पांच नंबर प्रश्न है, इसमें देख निम्न, देखिए यहाँ पर दिया ना कि निम्न संख्या श्रेणी में आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर कह दे एक निम्न श्रेणी दिया है, ठीक, इस श्रेणी में आपको क्या बोल रहा है नीचे, देखिए उपयुक्त श्रेणी में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम है, एक सम संख्या है, और ठीक बाद में भी एक सम संख्या है। यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक यानी इसमें कौन सी अब संख्या है जो कि पहले भी आपको सम संख्या होना चाहिए, देखिए यानी सम होना चाहिए और बाद में भी आपको सम होना चाहिए। देखिए इसमें क्या करेंगे, इस श्रेणी में आपको वही आपको यानी संख्या बताएंगे कि कितनी संख्या है। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर अगर देखेंगे यहाँ पर सम संख्या दिया है, ठीक, दो दिया है, लेकिन दो के बाद में यहाँ पर छह सम संख्या दिए, यहाँ पर आपको सम दिया है, नहीं दिया है, यानी इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक। देखिए यहाँ पर सम संख्या हमें आपको बताना है कि सम संख्या बाद में भी होना चाहिए और पहले भी होना चाहिए, कौन सी संख्या है। देखिए यहाँ पर तीन दे रहा है, तीन क्या है, देखिए तीन, तीन के पहले भी छह है तो सम संख्या और आपको आठ भी है तो सम संख्या, यानी एक दिख गया, क्या दिखा, एक दिखा, ठीक, एक दिखा। और देखिए और देखते हैं, यहाँ पर सम संख्या बताना है, क्या बताना है, सम संख्या, ठीक, सम संख्या बताना है। अगर छह रखेंगे तो तीन इधर भी सम, इधर भी तीन भी सम संख्या आपको बताना है ना, तो सम संख्या देखिए यहाँ पर दो रखेंगे तो सम संख्या नहीं है, अगर छह रखते हैं तो भी सम संख्या नहीं है, यानी सम संख्या आपको बताना है, ठीक। देखिए तो यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको दोनों तरफ कौन सी ऐसी संख्या रखना है कि दोनों तरफ आपको सम संख्या दिखना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको देख लेते हैं सम संख्या, देखिए यहाँ पर भी एक सम संख्या दिख रहा है, यानी दो, यानी पांच जो है ना, पांच, पांच के पहले भी सम संख्या आ रहा है दो, और पांच के बाद भी छह आ रहा है सम संख्या, ठीक। तो देखिए कितना हो गया, दो हो गया, यहाँ से अभी दो दिखा, दो के बाद में यहाँ पर दो दिख रहा है, ठीक, दो हो गया, दो के बाद में अब देखिए दो है, देखिए अब किसी में नहीं दिख रहा है, यानी कहीं नहीं दिख रहा है। अगर छह लीजिएगा तो देखिए तीन विषम आ गया और पांच भी विषम आ गया, यानी नहीं होगा, यानी इसका मतलब कि कितना दिख रहा है, दो दिख रहा है, कितना दिख रहा है, दो दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, दो हो गया। ऑप्शन नंबर देखेंगे दो किस ऑप्शन में दिए, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों छह नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दिविज पलक रवनीत, यानी रवनीत सेजल और यहाँ पर तपन एक वृत्ताकार मेज के परित मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। रवनीत यानी रवनीत एक पतन यानी तपन के बीच में केवल पहल यानी पलक बैठी हैं। पतन यानी पतन सेजन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है और नवनीत, देखिए यहाँ पर रवनीत दिया है, रवनीत और दिविज के बीच में केवल सेजल हैं। तपन के बाद वे यानी और ठीक बगल में कौन सा बैठा है या बैठी है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल क्या रहा है, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर आपको क्या दिया, देखिए यहाँ पर दिविज दिया है, पलक दिया है यानी रवनीत दिया है और सेजल दिया है और तपन दिया है। कितने हैं, दो दो चार एक पांच, पांच व्यक्ति है, ठीक, पांच व्यक्ति में बोल रहा है कि एक वृत्ताकार मेज में परित में बैठे हुए हैं। मेज, मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, किधर बैठे हैं, केंद्र की तरफ। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं गोला हो गया, एक केंद्र की तरफ बैठा है मुंह करके, तो मान लीजिए एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, यहाँ से एक इधर हो गया, एक इधर हो गया और एक इधर रख लेते हैं, ठीक,
अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, उसके बाद में बोल रहा है कि रौनित जो है ना, रौनित और तपन के बीच में केवल पलक बैठी है। रौनित तो यहाँ पर आर लिख देते हैं, रौनित रौनिक रौनित और तपन यहाँ पर टी लिख देते हैं, तपन तपन के बीच में क्या बैठा है, पलक बैठी है, पलक बैठी है तो पी रख देते हैं। देखिए रौनित और तपत के यानी रौनित और तपन के बीच में क्या बैठ गई, पलक बैठ गई। फिर उसके बाद में आगे बोला है कि पतन यानी पतन, देखिए तपन दिया है ठीक, सॉरी तपन सेजल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तपन जो है ना तपन सेजल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो सेजल सेजल के दाईं तरफ दूसरे स्थान पर, तो ऐसे यहाँ पर सेजल लिख देते हैं ठीक। सेजल के दूसरे स्थान पर देखिए क्या हो गया, पतन हो गया यानी तपन हो गया, क्या हो गया तपन हो गया। अब फिर उसके बाद में आगे क्या दिया है, आगे आपको दिया है और दूसरे स्थान पर क्या है बैठी है, दूसरे स्थान पर रौनित और दिविज के बीच में केवल एक सेजल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दिविज, यहाँ पर दी लिख देते हैं ठीक, दिविज हो गया। दिविज यहाँ पर बोल रहा है कि रौनित और दिविज के बीच, रौनित हो गया ई वाला, रौनित और दिविज के बीच में सेजल है यानी यहाँ पर एस हो गया, तो सेजल बैठी है, बैठी है। अब बोल रहे कि तपन के बाई और ठीक बगल में कौन बैठा है या बैठी है, यहाँ पर किसका बोल रहा है तपन का, तो तपन कौन सा है, देखिए तपन आपको ई वाला है ठीक, तपन के बोल रहा है कि तपन के दाई तरफ नहीं, तपन के बाई तरफ ठीक बगल में, तो तपन के बाई तपन के बाई तरफ कौन है, दाहिने नहीं बाई, तो दाहिने आपको इधर हो जाएगा ठीक, क्या होगा दाहिने आपको इधर हो जाएगा, लेकिन हमको बाएं बोला है तो बाएं आपको इधर हो जाएगा, तो बाएं कौन बैठा है दिविज बैठा है, बाएं कौन बैठा है दिविज बैठा है, तो देखेंगे दिविज किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 15 मार्च 2022 को मंगलवार था तो 15 मार्च 2020 में यानी 20 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको देना है कि 15 मार्च 2022 में मंगलवार था तो 15 मार्च 2020 में कौन से सप्ताह का कौन सा दिन था ठीक। तो देखिए यहाँ इस तरह का प्रश्न में क्या करते हैं, इस तरह के प्रश्न में सबसे आपको आसान भाषा है, देखिए 15 मार्च यानी 15 मार्च 2020 ले 15 मार्च 2022 तक के विषम दिनों की संख्या कितना गया, 2 हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बार लिख देते हैं 15 हो गया यानी 15 मार्च लिख देते हैं, यहाँ पर 15 मार्च हो गया ठीक। देखिए यहाँ पर 15 मार्च हो गया, 15 मार्च 2020 से यहाँ पर यानी 15 मार्च हो गया ठीक, 15 मार्च 2022 यहाँ पर 2022 तक लिख देते हैं ठीक, 2022 तक विषम यानी विषम दिनों की संख्या ठीक यहाँ पर लिख देते हैं, विषम दिनों की संख्या देखिए 15 मार्च 2020 से और 15 मार्च 2022 तो कितने साल हुआ, 1 साल, 2 साल इसमें, क्योंकि 20 छोड़ दीजिए, 20 के बाद में 21 22 हो गया, तो कितना हो गया, 1 इसमें हो गया और प्लस 1 इसमें हो गया, तो कितना हो गया विषम संख्या, 2 हो गया, यहाँ पर हम विषम लिखे हैं ठीक, क्या लिखे हैं विषम लिखे हैं, आपको 1 हो गया, 1 इधर हो गया और 1 आपको इधर हो गया, दोनों की तरफ 1 1 2 हो गया, लेकिन 15 मार्च 2020 का दिन मंगलवार था, कितना था 15 मार्च, देखिए 15 मार्च 2022 यानी 15 मार्च 2022 को कौन सा दिन था, तो मंगलवार ठीक, मंगलवार था तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें विषम संख्या कितना आया, 2 आया यानी 2 साल हो गया, तो 2 साल क्या करेंगे मंगल में जोड़ देंगे, क्या करेंगे मंगल में 2 माइनस कर देते हैं, क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको 20 ले यानी 22 ले, आपको 22 ले 20 पूछा है, तो माइनस करेंगे ठीक। तो देखिए मंगलवार हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं ठीक, यानी मंगलवार में माइनस 2 कर देंगे, जब मंगलवार में माइनस 2 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर रविवार आ जाएगा, क्या आ जाएगा रविवार आ जाएगा। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि 2022 यानी 2020 का सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो रविवार होगा, क्योंकि मंगलवार से पहले 2 दिन क्या होगा, आज सोमवार के बाद में रविवार, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से अनुरूप करेगा,
देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर दिए एक श्रृंखला चल रहा है, ठीक है। श्रृंखला पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर ये चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या भरेंगे जो कि इस श्रृंखला को पूर्ण करेगा, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर जिस तरह से श्रृंखला दिया है उसी तरीका से लिखेंगे। यहाँ पर क्या दिए, देखिए यू दिया है, यहाँ पर यू रख लेंगे। फिर उसके बाद में क्या रखेंगे, यहाँ पर डब्ल्यू दिया है तो डब्ल्यू रखेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर वाई दिया है तो वाई रख लेंगे, ठीक। फिर उसी तरीके से यहाँ पर क्या दिए, ए दिया है, यहाँ पर ए रख लेंगे। फिर उसके बाद में आगे कहीं दिया है, नहीं दिया है, यानी इसके आप प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। देखिए यू से क्या हो रहा है, डब्ल्यू, डब्ल्यू से क्या हो रहा है, वाई, वाई से क्या हो रहा है, ए हो रहा है। इसमें किस प्रकार से हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर अगर यू है, यू में क्या करेंगे, यू में अगर तीन जोड़ देंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा, और डब्ल्यू में क्या करेंगे तीन, देखिए यहाँ पर तीन नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, डब्ल्यू है ना, तो यू, यू के बाद में यू भी यू डब्ल्यू आता है, यहाँ पर दो प्लस होगा ना, अगर दो जोड़ देंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा, और डब्ल्यू में जब दो जोड़ेंगे तो वाई आ जाएगा, वाई में जब दो जोड़ेंगे तो ए आ जाएगा। तो क्या करेंगे, ए में भी आपको जब दो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक। ये तो हो गया। फिर अगला देखिए, अगला आपको सी दिया है, फिर आपको एफ, एफ यहाँ पर आपको एफ दिया है, फिर उसके बाद में यहाँ पर आई दिया है तो हम आई रख लेंगे। फिर उसके बाद में एस दिया है, यहाँ पर एल दिया है तो एल रख लेंगे। फिर आपको यहाँ पर कहीं दिया है, नहीं दिया है, देखिए अब इसको भी सोल्व करेंगे। सी, सी से क्या हो रहा है, एफ हो रहा है, एफ के बाद में, सी के बाद में सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, इसमें क्या कर रहा है, इसमें आपको प्लस तीन जोड़ रहा है, और एफ से क्या लिख रहा है, आई लिख रहा है, इसमें भी आपको प्लस तीन जोड़ रहा है, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, प्लस आपको तीन जोड़ लेंगे। अब एल में क्या करेंगे, तीन जोड़ देते हैं, जब एल में तीन जोड़ देंगे तो कितना देगा, एल एम एन ओ, कितना देगा, ओ आ गया। अब देखिए फिर आपको दिया है कि के दिया है, यहाँ पर क्या लिखा है, के, यहाँ पर हम के रख लेते हैं। के बाद में क्या लिखा है, यहाँ पर ओ लिखा है, ओ हो गया। फिर उसके बाद में एस लिखा है तो एस रख लेंगे, यानी यहाँ पर आपको एस रख लेंगे। एस के बाद में फिर आपको दिया है यहाँ पर डब्लू, तो डब्लू रख लेंगे। फिर अगला संख्या बताना, देखिए के से क्या हो रहा है, के से क्या हो रहा है, के से आपको ओ हो रहा है, तो के से ओ हो रहा है तो इसमें क्या करा है, के एल एम एन ओ, यानी इसमें का मतलब कि इसमें प्लस चार जोड़ा है, और ओ से क्या रहा है, एस हो रहा है तो प्लस आपको चार जोड़ा है। और देखिए एस, एस ले डब्ल्यू हो रहा है तो इसमें भी प्लस आपको चार जोड़ रहा है, और डब्ल्यू देखिए डब्ल्यू से, डब्ल्यू में भी हम आपको चार जोड़ेंगे, जब डब्ल्यू, डब्ल्यू में चार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, कितना गया, ए आ जाएगा। लेकिन एक और संख्या दी है, देखिए यहाँ पर चार दिया है, चार के बाद में नौ दिया है, नौ के बाद में उन्नीस दिया है, उन्नीस के बाद में अड़तीस दिया है, और प्रश्नवाचक चिन्ह पर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, चार, चार में क्या करते हैं, पाँच जोड़ देते हैं, जब चार में हम पाँच जोड़ देंगे तो पाँच चार कितना हो गया, यहाँ पर नौ आ जाएगा, कितना आ गया, नौ आ गया, तो नौ आ गया। अब उसी तरीके से देखिए, अगर नौ, देखिए यहाँ पर क्या है, नौ, नौ में क्या करते हैं, दस जोड़ देते हैं, जब नौ में दस जोड़ देंगे तो कितना आएगा, उन्नीस, और उन्नीस में क्या लिख रहे हैं, उनचालीस, तो उन्नीस में कितना जोड़ेंगे, उन्नीस में बीस जोड़ देंगे तो उनचालीस हो गया। देखिए पाँच दूनी के दस, दस दूनी के बीस, अब बीस में क्या करेंगे, यहाँ पर बीस में क्या करेंगे, यहाँ पर बीस में, इसमें बीस हो गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर चालीस जोड़ लेंगे, ठीक था, चालीस, उनचालीस में जब हम चालीस जोड़ेंगे तो कितना गया, उनासी आ जाएगा, कितना गया, उनासी। आपसे पूछा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा, देखिए कितना गया प्रश्नवाचक चिन्ह पर, सी आ गया, ओ आ गया, ए आ गया, यानी सात नौ उनासी आ गया, यानी सी ओ ए उनासी, देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी यहाँ पर सी ओ, सी ओ ए, यहाँ पर सात नौ उनासी, उनासी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी सी ओ ए, ऑप्शन नंबर आपको सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों नौ नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ भागा, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भाग, प्लस भागा का अर्थ माइनस, तो समीकरण, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर एक समीकरण दिए, इस समीकरण में बोल रहा है ना कि भागा के जगह पर गुना, गुना के जगह पर भागा, माइनस प्लस, यानी आपको अंक को बदल कर, यानी संख्या को जो आपका चिन्ह दिया ना, चिन्ह को बदल कर इस समीकरण को सही बनाना है, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यानी प्लस को क्या बोल रहा है, भागा, तो प्लस समीकरण में देखिए क्या दिए, यहाँ पर इसका मतलब ये भागा दिया है। फिर इसके आगे बोला है कि माइनस का अर्थ गुना, माइनस आपको यहाँ पर दिए, इसको हम गुना कर लेंगे। फिर दिए गुना का अर्थ प्लस, तो गुना का अर्थ प्लस, तो गुना यहाँ पर दिया, इसको हम प्लस कर लेंगे। फिर उसके बाद कि भागा का अर्थ माइनस, तो भागा दिया, यहाँ पर हम माइनस कर लेंगे। अब इस समीकरण को सोल्व करेंगे, देखिए कितना गया, सोलह, सोलह भागा कितना गया, चार, फिर गुना करेंगे तो आठ, फिर माइनस करेंगे तो तीन, फिर आपको प्लस करेंगे, यहाँ पर प्लस हो गया ना, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, देखिए यहाँ पर प्लस कर लेंगे, प्लस कितना गया, दो आ गया, इसके बराबर देखिए
अब क्या करेंगे, चौचौ के 16 हो गया था 4 हो गया, और चौ के 32 हो गया, यहाँ पर 32 हो गया, 32 से माइनस कितना हो गया 3+2 लिख लेंगे, कितना लिख लेंगे 3+2 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए 32 में आपको 2 जोड़ेंगे, क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, कितना गया 34 हो जाएगा, और 34 में से 3 घटा लेते हैं तो कितना बचेगा 31 बचेगा। इसमें क्या पूछा है, बराबर में कितना आएगा 31 आ जाएगा, 31 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चयों को यानी संख्याओं के बीच है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ध्यान से आपको हम अच्छे तरीके से यानी आसान भाषा में समझाते हैं इसको किस तरह से बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जो वही संबंध है, यानी इसका मतलब देखिए 15 क्या लिखा है 12 15 18 ये जिस प्रकार से संबंधित है ना, और 45 35 25 जिस प्रकार से संबंधित है अपने में ही, उसी प्रकार से ये चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि चार ऑप्शन कौन सी संबंधित है। ठीक, देखिए इसमें पहले देखेंगे कि 12 15 18 किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आपको ये चार ऑप्शन में से बताना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है 12 लिखा है, 15 लिखा है और यहाँ पर 18 लिखा है, ये किस प्रकार लिखा है, देखिए यहाँ पर किस प्रकार लिखा है, 12 को पहले लिख लेते हैं, 12+18 जोड़ देते हैं, 12+18 जोड़ के 2 से भाग कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो गया, कितना हो जाएगा 30 है, 30 में क्या करेंगे 2 से भाग कर लेंगे तो कितना बचा 15 बचा। देखिए यानी 12 को और 18 को दोनों को जो आपस में जोड़ेंगे और 2 से भाग कर लेंगे, 2 से भाग करने के बाद में बीच वाली संख्या आ गया यानी 15 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा भी देखेंगे, देखिए कितना दे यानी 45, तो क्या करते हैं 45 को हम और प्लस में 25 को जोड़ देते हैं, जब 25 को जोड़ के भाग 2 से कर लेंगे तो देखिए कितना हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 40 आ गया, कितना आ जाएगा 40, और 40 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ गया 20 आ गया, यानी यहाँ पर कितना आ गया 20 आ गया, लेकिन आपको 20 थोड़े दिया है, आपको 20 दिया है नहीं दिया है, लेकिन इसका मतलब इसमें 20 नहीं होगा। देखिए आओ यहाँ पर आपको यहाँ पर जोड़ना है ना, देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको 5 5 10 हो गया, 10 4 2 6 1 7 हो गया, यहाँ पर आपको 70 हो जाएगा ना, यहाँ पर आपको 70 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ गया 35 आ गया। देखिए दोनों वाली संख्या कितना गया 35 आ गया, यानी 45 को 25 को जोड़ने के बाद में 2 से भाग करने के बाद 35 आ गया, बीच वाली संख्या 35 आ गया। ठीक उसी प्रकार से ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रखेंगे, ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए में क्या दिया है, ऑप्शन ए में क्या दिया है 15 दिया है और 20 दिया है और यहाँ पर आपको 25 दिया है। देखिए ऑप्शन ए को देख लेते हैं तो कितना हो गया, देखिए बीच वाली संख्या क्या करना है हमको जोड़ना है, देखिए 15 हो गया, 15+25 को जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 15+5 20 20 30 हो गया, कितना आ गया 30 आ गया, 30 में 2 से भाग कर लेते हैं तो कितना बचा 15 बचा, कितना बचा ओहो यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर आपको किस प्रकार से जोड़ना पड़ता है, यानी 5 5 10 हो गया, अब 2 1 3 3 1 हंसी लिया 4 9 हो जाएगा, यहाँ पर 40 हो गया। ठीक 40 हो गया तो 40 का दिया कितना हो गया 20 हो गया, तो देखिए यहाँ पर कितना गया 20 आ गया, यानी 15 और 18 15 और 22 देखिए 15 और 22 25 को जोड़ने के बाद में 2 से भाग करने के बाद में बीच वाली संख्या 20 आ गया, यानी इसका मतलब कि हम ऑप्शन नंबर इस तरीका से फॉलो कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि STUVW और X एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं 6 मंजिल पर अलग अलग रहते हैं, देखिए यहाँ पर 2 2 4 2 6 6 अलग अलग इमारत पर मंजिल पर रहते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर आपको इस प्रकार से रख देते हैं, यहाँ पर आपको मंजिल रख देते हैं, ठीक मंजिल हो गया, फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर व्यक्ति लिख देते हैं, यहाँ पर क्या हो गया व्यक्ति हो गया, और देखिए यहाँ से इधर इस तरह से बना देते हैं, ठीक देखिए यहाँ से इधर हो गया और यहाँ से इधर हो जाएगा, ये आपको ऊपर हो जाएगा और ये आपको नीचे हो जाएगा। अब देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है कि इमारत यहाँ पर देना है कि अलग अलग 6 मंजिले इमारत पर रहते हैं, इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रम 1 है, सबसे यहाँ पर कितना दिया 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब यहाँ से क्या बोल रहा है,
यहाँ पर बोल रहे हैं कि सबसे निचले मंजिल पर कौन सा है, एक है, यहाँ पर एक हो गया। एक के बाद में फिर दूसरा में क्या बोल रहा है, दूसररा में आपको दिया है, दूसरा देखिए यहाँ पर हो गया, और उसके उसके ऊपर वाली मंजिल क्रमांक दो है, इसके ऊपर वाली क्रमांक कितना है, दो है, और इसी प्रकार सबसे ऊपर वाली मंजिल क्रमांक छ है, सबसे ऊपर वाली छ हो गया। अब यानी उसी तरीका से पांच हो गया, चार हो गया और तीन हो गया, इस तरह से दिया है। अब बोल रहे हैं कि भी सबसे नीचे वाली मंजिल पर रहता है, भी कहाँ रहता है, सबसे नीचे वाली मंजिल पर, यहाँ पर आपको भी रख लेंगे, भी एक पर रहता है सबसे नीचे वाली मंजिल पर। फिर उसके बाद में आगे दिया ना कि एक से यू, एक्स और यू में से प्रत्येक एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, यहाँ पर एक्स और यू एक सम क्रमांक वाली पर रहता है। एक्स मान लीजिए यहाँ पर रख लेते हैं, और आपको यहाँ पर यू दिया है ना, यू दिया है, तो ठीक यू आपको यहाँ पर रख लेते हैं, यू आपको यहाँ पर हो गया। ये दोनों के बीच में क्या है, एक सम क्या दिया है, यहाँ पर एक सम दिया है, तो सम को क्या बोल रहा है, क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। अब फिर बोल रहा है कि टी यू डब्ल्यू के ठीक मध्य मंजिल पे रहता है, टी जो है ना यू, यू और डब्ल्यू, यू और डब्ल्यू के बीच में कौन रहता है, तो यू आपको यहाँ पर रख, डब्ल्यू रख देता है, ई और यू के बीच में क्या रहता है, यहाँ पर टी एक बिचली मंजिल पर आता है, टी कितने बिचला मंजिल पर आता है। अब डब्ल्यू मंजिल क्रमांक टू है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस हो गया, यहाँ पर एस हो गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है, यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर आपको दिया है ना कि आपको अब बोल रहा है कि डब्ल्यू मंजिल क्रमांक टू पर आता है, तो मंजिल क्रमांक पांच पर कौन सा रहता है, यानी दो पर कौन है मंजिल, मंजिल दो पर कौन है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू दिया है, लेकिन आपसे पूछा है कि पांचवे मंजिल पर कौन रहता है, पांचवे जो पांचवे पांच यानी जो क्रमांक है ना, यानी मान लीजिए मंजिल, यानी पांचवे मंजिल पर कौन से रहता है, पांचवे मंजिल पर कौन सा है, तो पांचवे मंजिल पर एस है, देखिए पांचवे मंजिल पर कौन है, एस है, यहाँ पर एस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, एक कथन निष्कर्ष ले कुछ प्रश्न है, देखिए यहाँ पर बोला ना कि सभी फोन टैबलेट हैं, क्या बोल रहे हैं, सभी जो फोन आए ना वो क्या है, टैबलेट है, तो मान लीजिए यहाँ पर हम क्या रखते हैं, ये बड़ा वाला को फोन रख लेते हैं, मान लीजिए टैबलेट रख लेते हैं, यहाँ पर टी दे देते हैं, ठीक टैबलेट हो गया, जान यहाँ पर बोला ना कि सभी फोन टैबलेट हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर फोन हो गया, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, पीएच रख देते हैं, फोन हो गया, सारा जो टैबलेट है ना वो फोन के अंदर हो गया, सॉरी यहाँ सारा जो आपका फोन है वो टैबलेट के अंदर हो गया। आपको यानी कथन पहले देखना है, कथन के अनुसार बताना है, कोई टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है, यहाँ पर बोल रहा है कि कोई जो कैलकुलेटर यानी टैबलेट है ना वो कैलकुलेटर नहीं है, तो मान लीजिए यहाँ पर कैलकुलेटर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, कोई कैलकुलेटर नहीं है, यहाँ से यहाँ की कोई दूरी नहीं है, ठीक कोई संबंधित नहीं है, बोल रहा है कि सभी ड्राइव कैलकुलेटर हैं, यानी सभी जो ड्राइव है ना, तो यहाँ पर ड्राइव सभी ड्राइव जो है ना वो क्या है, कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर हो गया। फिर उसके बाद में आगे देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर आप ये तो कथन बोल रहा था, कथन के अनुसार हम आपको डायग्राम बना लिए, अब आपको निष्कर्ष क्या बोल रहा है, ये आपको इसी में ध्यान देना है, देखिए कुछ ड्राइव फोन है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कुछ ड्राइव जो है ना वो फोन है, कुछ ड्राइव, देखिए ड्राइव और फोन में कहीं रिश्ता दिख रहा है, ड्राइव और फोन में कहीं रिश्ता नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब कि ये गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा देखिए कुछ कैलकुलेटर फोन है, क्या बोल रहा है, कुछ कैलकुलेटर, तो मान लीजिए एक कैलकुलेटर हो गया, ठीक एक कैलकुलेटर हो गया, एक कैलकुलेटर आपको फोन में दिख रहा है, किसी तरीके से समझ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब कि दूसरा भी आपको गलत बोल रहा है। तीसरा देखिए कोई टैबलेट ड्राइवर यानी ड्राइव नहीं है, बोल रहा है कि कोई जो टैबलेट है ना वो ड्राइव नहीं है, ये आपको सही बोल रहा है, देखिए कोई जो आपका ये टैबलेट है ड्राइव नहीं है, ये ड्राइव और टैबलेट से कोई संबंधित नहीं है, नहीं है, यानी इसका मतलब कि आपको ये सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये आपको सही बोल रहा है, यानी तीसरा आपको सही बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष थ्री पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दिए गए आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्या, दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर एक विभिन्न यानी संख्या दी, तो पहले क्या करिए चित्र में समझिए, यहाँ पर ये आपको मेल में दिया है, ठीक
ये आपको क्या दिया है, देखिए यहाँ से आपको ये मेल में रख देते हैं, यहाँ पर मेल हो गया। फिर इसके बाद में आगे देखिए, आगे में क्या दिया है आपको, यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर इसको रख लेंगे। जब इसको क्या दिया है आपको, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर द्विभाषी दिया है, क्या दिया है, द्विभाषी दिया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ तक हो गया, इसको रीड रख लेते हैं। यहाँ पर अकाउंटेंट दिया है, क्या दिया है, अकाउंटेंट दिया है, यानी सबको अलग अलग दे दिया है, सबको अलग अलग दिया हुआ है। अब आपसे यही पूछा है, देखिए आपसे यही पूछा है कि ऐसे कितने अकाउंटेंट है, देखिए ऐसे कितने अकाउंटेंट हैं जो द्विभाषी हैं, यानी पूछ रहे कि इसमें ऐसे कितने अकाउंटेंट हैं, अकाउंटेंट है जो कि आपको द्विभाषी होना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए, द्विभाषी होना चाहिए। देखिए आपको इसमें देखेंगे कि अकाउंटेंट कितने द्विभाषी हैं, जो द्विभाषी आपको ब्लैक वाला है, ठीक, द्विभाषी ब्लैक वाला है, अकाउंटेंट आपको रेड वाला है। तो देखिए आपको इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको पीला में रख देते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका इसमें क्या दिख रहा है, इसमें आपको अकाउंटेंट भी है और द्विभाषी भी है, और नो भी देखिए अकाउंटेंट भी है और द्विभाषी है, अकाउंटेंट भी द्विभाषी है और ई भी है। तो देखिए इसमें क्या हो गया, 15 हो गया, 15 प्लस 9 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो गया, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, यानी व्यक्ति की संख्या दर्शाएं, यानी इसमें पूछा है ना कि वैसे व्यक्ति की संख्या कितना दर्शाया है, तो 24 दर्शाया है, कितना है, 24 है। तो 24 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, जो कि ऐसे अकाउंटेंट और जो द्विभाषी है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए अक्षर समूह युग में पहला अक्षर समूह का एक निश्चित तर्क के आधार पर एक दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए युग्मों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में उस युग्म चयन का तर्क समान पालन करें। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर ये दो आपका युग्म दिया है, दोनों युग्म में आपको ये चार ऑप्शन में बताना है, बताना है कि कौन सी ऑप्शन किसके संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सी लिखा है, सी ओ डब्ल्यू बी ओ वाई, इसको किस प्रकार से लिखा है, देखिए डब्ल्यू ओ सी वाई ओ बी लिखा है, एंड इसको देखिए इधर लिखा है, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर और इसको इधर लिखा है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा भी लिखा है, तीसरा भी लिखा है, इसी प्रकार से हम इसको रखेंगे। इसमें कौन सा आंसर दिख रहा है, इसमें कौन सा आंसर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर बी देख लीजिए, बी आपका उसी प्रकार से है, बी क्या है, उसी प्रकार है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एफ लिखा है, एल लिखा है, सॉरी यहाँ पर एफ लिखा है ना, एफ हो गया, एल हो गया, ओ हो गया, डब्ल्यू हो गया, ई हो गया और आर हो गया। इसको क्या लिखा है, देखिए ओ लिखा है, एल लिखा है, एफ लिखा है, आर लिखा है, ई लिखा है, डब्ल्यू लिखा है, क्या लिखा है, डब्ल्यू। देखिए ओ का ओ हो गया, एफ का एफ हो गया, एल का एल हो गया, डब्ल्यू का डब्ल्यू हो गया, यहाँ पर आर का आर हो गया, ई का ई हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है, इसलिए कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए यहाँ पर क्या दिए, प्रश्नवाचक चिन्ह दिए, इसके जगह पर चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर 24 लिखा है, यानी 124 दिया है, 129 दिया है और 136 दिया है और 145 दिया है और यहाँ पर क्या दिया, 156 लिखा है। यह प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताना है कौन सा। देखिए 124 ले 129 हो रहा है, इसमें 5 प्लस कर रहा है, 129 ले 136 हो रहा है, यहाँ पर आपको 7 प्लस कर रहा है और यहाँ पर 136 ले यानी 45 हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस 9 कर रहा है। देखिए और यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर 145 ले 156 लिखा है तो प्लस 11 कर रहा है। देखिए 5 दो 7 9 11 11 के बाद में अगला क्या लिखेंगे, 156 में आपको 13 जोड़ देंगे, जब 13 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। तो 169 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।